सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, गाजा के रॉकेट फायर के बाद जो कि आपने रिपोर्ट मिस कर दी होगी, ब्रेकिंग न्यूज। रात को मैंने देर रात आपको बताया था कि गाजा ने रॉकेट फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में हुआ ये कि कुछ ही घंटों के बाद पीएम बेनेट ने मीटिंग करी आईडीएफ कमांडर के साथ और उसके एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर गाजा के खान यूनुस के इलाके पर गाइडेड मिसाइल फाइटर जेट के साथ और ड्रोन के साथ बड़े हमले किए और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया और तो और कई अलग अलग ठिकानों पर बड़ी बमबारी करी। कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको पिछले साल के हमले याद दिलाएंगे। हमले काफी बड़े थे, 8 से 10 रॉकेट मिसाइल इजराइल की तरफ से खान यूनुस के इलाके में दागे गए। खौफनाक हमलों की तस्वीर आपके सामने। दोस्तों आपको बता दूं, देखा आपने कितना खतरनाक हमला था। अब आपको बता दूं कि बड़ी बात यह सामने निकल के आई है कि इन हमलों में गाजा और हमास का कोई जानी माले नुकसान नहीं हुआ है, फिलहाल अभी तक यह रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जानकारी मिली है कि अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल करके, एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके इजराइल के फाइटर जेट को निशाना बनाना शुरू किया रात के 1:35 पर, जिसके बाद आनन फानन दुम दबा के इजराइल के फाइटर जेट्स को वहां से भागना पड़ा। अब आपको सबूत चाहिए तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से किस तरह से जमीन से हमला किया जा रहा था इजराइल के फाइटर जेट पर, देखिए।
بشكل مغير ومنخفض ومفاجئ في اجواء المحافظه الوسطى وايضا قطاع اكس وعدد التجار المشاهدين على مبدو وناد شعب قطاع الاستهداف من قبل الطيران الحربي. ان حملوں کے بعد القسام بریگیڈ اور حماس نے دھمکی دی ہے कि जिस प्रकार से इसराइल को भागना पड़ा है उसे आगे भी इसी तरह से वापस भागना पड़ेगा। हमारे नौजवानों ने जमकर सामना किया है और मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये यहूदी शासन की कमजोरी है कि वो इस तरह से हमले कर रहा है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। पल पल की नज़र हमने बना के रखी है। इसराइल और फिलिस्तीन के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिपोर्ट को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।